सभी को जागरूक होना पड़ेगा कि जो पहले कानून था वो कानून भी हमारे लिए बहुत खतरनाक था। अब जो बनाया है ये कानून भाई 10-20 हज़ार, 7 लाख रुपये जुर्माना, ये तो ड्राइवर किसी सूरत भी नहीं होगा करेगा। इस सरकार ने खाने पीने की बंद न होने की चिंता होती तो ये कानूनी लागू नहीं करती, इसलिए कानून वापिस कराने के लिए हमने सब्जी दूध पानी सब के लिए गाड़ियां। राम राम। आप देख सको हो हमें आज जींद के अंदर हमारी टीम मौजूद है फिलहाल, और आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां लाइन में लगा दी गई हैं। दोबारा से कहीं ना कहीं ड्राइवरों की मतलब एक आह्वान दोबारा से इन्होंने शुरू किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार का जो फैसला था उस फैसले से भी पूछेंगे खुश हैं या नहीं है। तो मेरे साथ में ड्राइवर भाई भी हैं और गाड़ियां भी देख सकते हैं। दिखा दे भाई, एक गाड़ी दिखा दे, गाड़ी भी दिखा सकता हूँ मैं अपने। जींद के अंदर गाड़ियां भी बिल्कुल लाइन में ड्राइवरों ने लगा दी है, कहीं ना कहीं ये लंबे समय के लिए अपने घर पर जाने की भी तैयारी कर चुके हैं। नमस्कार जी। गाड़ियां लाइन में लगा दी है, गाड़ी ना चलाने की सोच रहे हैं। इतना हमारा फैसला नहीं आएगा, इतना हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। सरकार ने जो फैसला दिया है उस फैसले से कुछ नहीं है ही नहीं, हम कुछ नहीं है। सरकार तानाशाही कर रही है, जो मर्जी में आए वो कर देती है। तो ये रोड के ऊपर लुटेरे बैठा दिए, कितना कानून तगड़ा करती है, इतनी पुलिस को के नाम भी सोच ज्यादा करती है, ये हमारे को बार बार परेशानी आ रही है। कानून जो बनाया है उस कानून के बारे में आपको पूरा पता है भी कानून किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं है, हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए या गाड़ी के जो मालिक है उनके लिए ठीक है या नहीं है? ये बिल्कुल गलत है, आने वाले टाइम में इसको इसे रिश्वत रोड पे ज्यादा बढ़ेगी, पुलिस अपनी मनमर्जी करेगी। पुलिस पहले 5 में काम चलता था, 50 में चलेगा। ड्राइवर कहाँ से 7 लाख रुपए देगा और 10 साल की सजा कहाँ से काटेगा? अगर उसका 7 लाख का जुगाड़ है तो वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस कर लेगा। एक ड्राइवर को कितनी तनख्वाह मिलती है? 10 से 12 हज़ार रुपए मिलती है। 10-12 हज़ार रुपए में बेचारा अपने बच्चे पाल गया, अगर 10 साल की सजा होगी तो उसके बच्चे कौन पालेगा? तो मेरे साथ में और भी मौजूद हैं जो कि गाड़ियां बंद करके लाइन में कतारों में देख सकते हैं, गाड़ी लगा करके यहां इकट्ठे हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं लंबे आंदोलन पे जाने की इनकी मतलब वो है, मनसा है। तो मेरे साथ नमस्कार जी, क्या नाम सर आपका? चैल साहब, आपको दिख रहा है अगर हम गाड़ियां बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं खाने पीने की जो व्यवस्था गाड़ी करती है, गाड़ी में सामान इधर उधर लेके जाते हो तो ये लोग मुखिर में जाएंगे? सर बात ऐसे है, ये तो सभी को जागरूक होना पड़ेगा कि जो पहले कानून था वो कानून भी हमारे लिए बहुत खतरनाक था। अब जो बनाया है ये कानून भाई 10-20 हज़ार, 7 लाख रुपये जुर्माना, ये तो ड्राइवर किसी सूरत भी नहीं कर सकता। अगर इस सरकार ने खाने पीने की बंद न होने की चिंता होती तो ये कानूनी लागू नहीं करती, इसलिए कानून वापिस कराने के लिए हमने सब्जी दूध पानी सब के लिए गाड़ियाँ बंद कर दी है। हम ना किसी को तंग करते, हमारी चाबी छोड़ दी, हमने अपने घर बैठ गए हैं, अपनी गाड़ी खड़ी है। ये कानून नहीं वापिस होता, इतने गाड़ी नहीं चलाई। पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियाँ हैं क्या उनको भी बंद करने जा रहे हैं? पेट्रोल डीजल गैस दूध पानी सब बंद कर दिया। और आप मतलब इसके दौरान जो आपने बंद कर दिया है तो ये लंबे समय पर जाने की मंशा है या सरकार से कोई बात करने की व्यू है आपकी? देखो जी, सरकार तो संबंध है, सरकार बात करेगी तो हम क्या रहेगा, अगर जब नहीं करेगी तो हम लंबे समय के लिए। क्या सरकार ने एक बार आपको जब पहले बताया है भाई हमने अपना कानून जो है वो अभी वापस ले लिया है, अभी हम उसको लागू नहीं करते, उस फैसले से आपको से नहीं जी? वो फैसला हमारे से पूछ के नहीं हुआ, ना हमारे कोई प्रतिनिधि था उनके बीच में, ये तो ऑल इंडिया फैसला कहाँ पे हुआ? ये भाई जो ऑल इंडिया कमेटी है नहीं, वो तल्ले ही नहीं उनमें, वो पीछे भी बेच दे आए ट्रांसपोर्ट महकमे को और अब भी बेच दिए, इससे कोई सर कुछ नहीं है। ये ड्राइवरों की हड़ताल है, ये ट्रांसपोर्टों की नहीं है, ये ड्राइवर भाइयों की है जिसके ऊपर ये बात आ रही है। तो मैं ड्राइवर भी मेरे साथ में और भी सारे ड्राइवर खड़े हैं, आड़े कोई ड्राइवर है, कोई गाड़ी के कनेक्टर भी है, ड्राइवरों के कनेक्टर भी हो है। तो भाई साहब राम राम, कुछ तो बोलो, आप गाड़ी चलाओ, आप गाड़ी के अंदर वो करो हो तो आपके ऊपर मतलब क्या वो है, आपने कितनी चिंता है कि नहीं है? चिंता रहा है और कितने किधर चौकीदारा में भी जैसे काम हो गए तो तेरा अपने घर बैठा ही। और भी मौजूद है भाई साहब, क्या कहना चाहोगे जो आपके ऊपर मतलब एक आंदोलन आपने दोबारा शुरू करने की सोची है? हमारी ना तो कोई सरकारी नौकरी, कानून के खिलाफ क्यों हुआ ये तो वापस भी ले लिया ना? उनके खिलाफ ये है, जब भी मान लो गाड़ी एक्सीडेंट इमरजेंसी में होती है, जानबूझ की तो कोई करता नहीं जी, कोई एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पर मान लो पब्लिक
चिंता बहुत सता रही है आंदोलन का ड्राइवर भाइयों ने जो एक फैसला ले लिया दोबारा से कितने न कितने हंकार भर दी फैसले भाई साहब और भी मेरे साथ मौजूद है इनका मैकेनिक था तो भाई साहब राम राम कितने कितने एक आंदोलन की दोबारा से ड्राइवरों ने मतलब गाड़ी के मालिकों ने दोबारा से एक हंकार भर दी इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप मतलब मेन जो है ड्राइवर जो दोबारा आंदोलन में जा रहे हैं ड्राइवर इतने पढ़े लिखे होते तो ये भाषण कैसे देंगे जी ड्राइवर इतने पढ़े लिखे होते तो ये भाषण ही दे देते कहीं को कॉलेज में खड़े हो गए इनको बेचारों को ज्ञान तो है नहीं अनपढ़ आदमी है जो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं जितनी इनकी के नाम लिया रहे इनकी सोच है उसी में अपना काम चला रहे हैं अगर ये पढ़े लिखे होते तो के नाम लिया रहे कहीं और नौकरी नहीं करते क्या जरूरत थी 24 घंटे गाड़ी चलाने की 24 घंटे गाड़ी चला के भी इनका पेट नहीं खुल रहा बेचारों का तो अब दोबारा से मतलब सभी जींद की भी जितनी कितनी जींद के अंदर गाड़ियाँ कितनी जींद के अंदर अगर जींद का अंदाजा लगाओ तो कम से कम भी 2,500 गाड़ियाँ हैं तो जींद पूरे जींद जिले में कितनी गाड़ियाँ होंगी जींद जिले में कम से कम 9-10,000 गाड़ियाँ हैं जो हमारी 500 खड़ी इंजन आती हैं पपीतों गाड़ा जाना नरवाना कम से कम भी 9-10,000 गाड़ियाँ हैं और पूरे हरियाणा के अंदर आपने काउंटिंग की हो तो मतलब उसके बारे में उसका आंकड़ा पता है कितनी गाड़ियाँ हाँ पूरे हरियाणा का तो जो हमारा 1,00,000 गुड़गांव में 1,00,000 गाड़ियाँ हैं पूरे हरियाणा में तो 1.5-2 लाख गाड़ियाँ हैं गाड़ियाँ का कोई कमी नहीं अम्बाड़ा में तो आपने मतलब एक लंबे आंदोलन पे चले जाने की सोची है या मतलब घर पे बैठने की सोची है कोई आंदोलन करने की सोची आपने अगर हमारा फैसला आता तो हमने आंदोलन करने की क्या जरूरत है सरकार अगर कानून वापिस लेती है तो हम अपने कार्य पे लगेंगे कानून वापिस नहीं लेती तो हम गाड़ियाँ छोड़ के अपने घर जाएंगे क्या आप जो किसान जिस तरह से किसानों ने एक मतलब आंदोलन किया था 13 महीने आंदोलन चला था क्या आप भी उनकी तरह से आंदोलन करने की सोच रहे क्या देखो जी ये तो टाइम बताएगा अगर सरकार कुछ निर्णय नहीं करती है तो ये भी होगा किसान आंदोलन भी हमारे साथ होगा किसान यूनियन वाले भी हमारे साथ हैं क्यों वह भी ड्राइवर हैं उनमें भी बहुत सारे ड्राइवर ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं मोटरसाइकिल के ड्राइवर हैं गाड़ियाँ के ड्राइवर हैं सब ड्राइवर वो भी हमारे साथ आपने देख लिया ये सभी ड्राइवर भाई है जो गाड़ियां इन्होंने अपनी कतारों में लगा दी हैं जींद के अंदर आपकी ये तस्वीरें लाइव तस्वीर जो है ये देख रहे हैं तो इनकी जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने की वो भी कोशिश कराएंगे बने रहिए मेरे साथ में जय जवान जय किसान।